अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क। प्रोग्राम में जनाब यादें और बातें हसन जलील के साथ, और इन यादें और बातों में हम बहुत सारी चीज़ें जो है आपके सामने लेकर आते हैं। ये प्रोग्राम जुबी अली करती हैं, चूँकि आजकल थोड़ा सा मसरूफियात है उनकी और वो जो है नहीं है, तो ये प्रोग्राम मैं मोहम्मद आसिफ आपके साथ मौजूद हूँ। और हमारे बहुत ही प्यारे ज़बरदस्त और कहना चाहिए कि मशहूर व मारूफ सीनियर कमेंटेटर और सीनियर ब्रॉडकास्टर हसन जलील साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं, वो इस वक्त भी हमारे साथ मौजूद हैं। हसन भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? तो आपने अलखाबात की लाइन लगा दी। कैसे हैं आप, पहले तो ये बताइएगा। अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप सुनाइए हसन भाई, ये अलखाबात की लाइन नहीं लगाइए, ये आप इसको डिजर्व करते हैं। अल्लाह ताला ने आपको जो है ना ये सारा कुछ दिया जो है ना, ये आप इसके हकदार हैं, तो ये आपको हम मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ आपका और अपने तमाम जो मोहब्बत करने वाले हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी हाँ बिल्कुल, इतना अरसे बाद आप हालांकि नहीं होते हैं सामने, चीज़ नज़र नहीं आती आपकी आवाज़ में, लेकिन लोग आपको आज भी वैसे ही जैसे पहले दिन से लेकर आज तक इतना ही प्यार करते हैं, वैसे ही आपसे मोहब्बत करते हैं और वैसे ही आपके फ़ैन भी हैं। चले जनाब जी हसन भाई, कुछ मैसेजेस पहले शामिल करते हैं जी, और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। एक मैसेज है, जरूरी है। हाँ एक मैसेज है, और जनाब इस बार मैसेज आया है बांग्लादेश से। वाह जी जनाब, बांग्लादेश से ये मैसेज है। उमामा, उमामा नाम रखा है, उमामा मुझे नहीं पता उमामा है या उमामा जी, है जी। तो ये कहती हैं, अब ये कहते हैं या कहती हैं ये कन्फर्म नहीं है कि हसन जलील साहब हिंदी की कॉमेंट्री सुने बहुत वक्त हुआ आपकी आवाज़ में, और मैं बांग्लादेश में जब पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश भी आई है और मैंने आपकी आवाज़ सुनी है, मैं जब से आपका फ़ैन हूँ और आज भी जब मैं इस प्रोग्राम को आपके इस चैनल के थ्रू इस रेडियो के थ्रू सुनता हूँ तो मुझे आपका वो वक्त और आपकी वो आवाज़ याद आती है कानों में, और मैं उसको सोच कर ये कहता हूँ कि क्या वक्त था और क्या आवाज़ है और क्या बात है कि आज भी आपकी आवाज़ वैसे ही है, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया उमामा। और 1988 में मैं पहली मरतबा बांग्लादेश गया था, 93 और 2003 में दो मरतबा मुझे बांग्लादेश जाने का इत्तेफाक हुआ और बड़ी मोहब्बत मिली और आप जैसे लोग वहाँ मौजूद हैं, प्रोग्राम सुनते हैं, सबसे खुशी की बात यह है। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम सुनते रहिए और इसी तरह अपनी राय जो है वो हमें भेजते रहिए। बिल्कुल जनाब बिल्कुल। अच्छा जनाब एक मैसेज और है, और ये मैसेज है जनाब नाजमाबाद कराची से, और नाजमाबाद कराची से ये हैं इफ्तिखार साहब, और इफ्तिखार साहब कहते हैं कि किसी वक्त आप नाजमाबाद में रहा करते थे, मुझे वो दौर भी याद है आपका, और अगर शायद आपको याद नहीं है कि मेरी आपकी काफ़ी मुलाकातें भी रही हैं, लेकिन अब चूँकि जब आपसे आप अमेरिका में मुकीम हैं ना हमारी आपकी मुलाकात हो पाई है और ना ही गुफ्तगु हो पाई है, लेकिन इस प्रोग्राम के ज़रिए जब आपकी मैंने आवाज़ सुनी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि आज भी आप वैसे ही हैं जैसे मैंने आपको 30 साल पहले आपसे आखिरी मुलाकात की थी। इफ्तिखार साहब ये भी कहते हैं कि हसन भाई आपकी याद बहुत आती है, आप मुल्क से बाहर रहते हैं लेकिन आपकी आवाज़ और आपका अंदाज़ आज भी हमें याद है। इफ्तिखार साहब अगर आप थोड़ी सी तफसील बताते तो मैं यकीनी तौर पे आपको पहचान जाता, क्योंकि मेरा तो बचपन और कॉलेज का जो दौर है वो वहीं गुजरा। गवर्नमेंट कॉलेज नाजमाबाद से मैंने तालीम हासिल की और क्रिकेट जो बिल्कुल गवर्नमेंट कॉलेज के सामने, अब तो उसका सड़क बन गई है, उस जमाने में वो बिल्कुल जो है खाली पैच हुआ करता था जी, उस पर बहुत से क्लब खेला करते थे, तो मैंने वहाँ बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली। लेकिन चूंकि ज़ाहिर है वक्त बहुत गुजर चुका है, अगर आप थोड़ी सी तफसील बताते तो मैं आपको यकीनी तौर पे पहचान जाता। अच्छा सही। अच्छा जी एक मैसेज और है इंडिया से, और ये है चंडीगढ़ से। हाँ जनाब चंडीगढ़ से हैं जनाब, इनका नाम है मनोहर सिंह, आई थिंक ये सिख आई थिंक होंगे, मनोहर सिंह इनका नाम है, और ये कहते हैं कि जनाब हसन भाई आप चंडीगढ़ के मैच में मैंने आपको पहली दफ़ा सुना भी था चूँकि कमेंट्री के हवाले से, और चंडीगढ़ के मैच को मुझे याद है कि बहुत ही ज़बरदस्त एक मैच था जो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान खेला गया था। अब इन्होंने ये नहीं बताया कि टेस्ट मैच था ये वनडे था, लेकिन ये कह रहे हैं कि मुझे बहुत मज़ा आया उस मैच को देखने का और आपकी कमेंट्री सुनने का, और अब काफ़ी अरसे बाद आपकी आवाज़ जो है हम इस चैनल पर सुनते हैं और आपके प्रोग्राम का हर हफ्ते इंतज़ार रहता है।
और चंडीगढ़ बड़ी खूबसूरत जगह है और मोहाली बहुत ही खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड है। मुझे 3-4 दफा वहां जाने का इत्तेफाक हुआ और बड़ी आपकी मोहब्बत क्या आपने अभी तक याद रखा। तो बस अपना प्रोग्राम सुनते रहिए और हमें जरूर बताइए कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। ठीक है। तो जनाब ये थी जनाब आज की कुछ मैसेजेस थे जो कि हमने आज शामिल किए, क्योंकि बिल्कुल प्रोग्राम के वक्त के हिसाब से हम शामिल करते रहते हैं मैसेजेस, मज़ीद भी मैसेज इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में शामिल करेंगे। असल में बांग्लादेश की बात हुई, पहला मैसेज आया था, तो मुझे ज़रा बताइए बांग्लादेश कैसा है, क्योंकि पाकिस्तान मशरक़ी पाकिस्तान हुआ करता था, फिर 71 के बाद वो अलग हुआ और उसके बाद उसकी डिवेलपमेंट कैसी रही, क्योंकि आपने काफ़ी इस पर विजिट किया है, देखा भी है, तो कैसा आपने पाया है पाकिस्तान को, जो मशरकी पाकिस्तान अब पहले था अब बांग्लादेश है। मुझे तो बहुत मज़ा आया वहाँ पर, और बांग्लादेश में लोग बहुत मोहब्बत करने वाले मिले, सादा लोग हैं और खूबसूरत जगह है। ढाका बहुत ही क्राउडेड है और वहाँ की सबसे खास बात जो है वो जी वहाँ की साइकिल रिक्शाज हैं। सही आप यकीन मानिए हम जिस होटल में ठहरे हुए थे जी उसकी छत से जब हम नीचे देखते थे तो हमें लगता था जैसे चूटियाँ जो हैं वो रेंग रही हैं, सही इतनी ज्यादा तादाद में वो हुआ करते थे। सही बंगाली रसगुल्ले हमने बहुत खाए जी और हमारे रसगुल्लों के मुकाबले में बंगाली रसगुल्ले कुछ 4 गुना बड़े होते हैं, सही तो एक रसगुल्ला खा के आपका पेट भर जाता है, लेकिन बहुत ही मजेदार। तो जितने दिन भी मेरा क्याम रहा 3 मरतबा जी बहुत मजा आया और बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुआ मैं। सही 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 बिल्कुल जनाब, आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि हसन भाई ने जो बांग्लादेश को विज़िट किया है वो कितनी ज़बरदस्त जगह है और आज वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है। खैर हसन भाई, चूँकि रेडियो टीवी और आपकी जो बेसिक मार्केटिंग साइड पे आपने बहुत सारा काम किया है, रेडियो चूँकि आपका पैशन भी रहा है और आपने काफ़ी ज़्यादा रेडियो पे इंजॉय भी किया है, तो आप ज़रा ये बताइएगा कि जब आप 65 की सॉरी 71 की जो वॉर है उसके उस पर थोड़ी सी क्रॉसिंग डालिएगा, कि उस वक्त आपने थोड़ा बताया था कि नूरजहाँ आई, उन्होंने आके प्रोग्राम किया और सारे गाने वाने भी गाए थे, लेकिन ये तो वो सिनेरियो था जो कि आप लोग कर रहे थे, लोगों का जज्बा क्या था उस वक्त? देखिए जाहिर है कि लोग, एक बात तो बड़ी अच्छी है पाकिस्तान में कि आप आपस में लड़ते झगड़ते रहे, इख्तिलाफात कितने ही हों जी लेकिन जब क्राइसिस तो पूरी कौम एक जान हो जाती है। और जबरदस्त इस मरतबा भी ऐसा कि लोगों ने बहुत ही और अफवाज पाकिस्तान के साथ वो खड़े हो गए और जो कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते थे वो अपने अपने अंदाज से वो उन्होंने किया। और ये समझते मैं समझता हूँ कि किसी कौम के लिए बहुत अच्छी बात है कि कौम को अपनी जिम्मेदारियों का और एहसास हो और मुश्किल वक्त में वो इकट्ठे हो जाएं। सही बात है सही बात है। अच्छा सर भाई, चूंकि कल 25 दिसंबर भी है और आपकी बर्थडे भी है, तो एडवांस में पहले तो आपको हैप्पी बर्थडे टू यू, और ये ख़ास तौर मेरा पर केक कहाँ है? जी मेरा केक है? वैसे कराची वालों ने मुझे बड़ा मायूस किया है। पहली बात तो आपने कोई केक वेक नहीं खिलाया, दूसरी बात यह है कि बड़े बड़े दावे करने वाली जूबी जो है जी वो ऐसी लेके भागी, वो इतना बड़ा जो देखचा जो इसमें चावल पका रही थी जी जी और देखचे समेत गायब हो गई। जी जी बिल्कुल नहीं हसन भाई, मैं आपसे इसलिए माजरत करूंगा क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम था, जो कि आपने आपको अंदाज़ा भी है कि आप जानते भी कि हमने एक प्रोग्राम किया था कि इसमें हमारा आप और जूबी होंगे और लोग भी होंगे, लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि वो उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ है जिसे आपको भी बताया, और तो वो सारा प्रोग्राम हमारा डगमग हो गया, और उसके बाद ओहो यकीन बिल्कुल एक प्रोग्राम हमने तो बनाया था जिसमें मैं जूबी और सोनिया शामिल थी और वो प्रोग्राम फाइनलाइज था, लेकिन क्योंकि वो थोड़ी सी आपके सामने जो सूरत हाल रही है आपको भी इसका इल्म है, तो उसके बाद से फिर वो थोड़ी सी सूरत हाल नहीं बन सकी कि आपको, बाकी वो आपका उधार मेरे पास है, अगर इंडिविजुअल है तो मैं, और तो मैं इसके लिए तैयार हूँ, मुझे पता है आपको इस बात का मुकम्मल अंदाज़ा है, केक आपका भी उधार रहा, और क्योंकि आपकी बर्थडे है ताकि लोगों को पता चले कि कल हसन भाई जो है माशाल्लाह उनकी बर्थडे जो है ना मनाई जाएगी, तो ये क्लैपिंग जो है ना हसन भाई ये खास तौर पे वो आपके पता है लिए। कि उधार जो है वो मोहब्बत की कैंची जी जी है। जी उधार जो है जी वो मोहब्बत की कैंची है, अच्छा ये देख लीजिएगा आप। चलिए ये क्लैपिंग तो आपके लिए, देखिए ये क्लैपिंग है आपके लिए, हैप्पी जी बर्थडे टू यू हसन भाई, थैंक हैप्पी भाई यू वेरी मच, बिल्कुल बहुत हसन भाई। शुक्रिया, अच्छा हसन भाई, जजाक क्योंकि अल्लाह। हाँ 25 दिसंबर आ रहा है और आपकी बर्थडे के साथ साथ कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब की बर्थडे, तो क्या